हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेक लाइफ इजी इन हिंदी में। फ्रेंड्स, अभी जो आपके पास सबके पास एक मैसेज या मेल आया होगा डायरेक्ट रेमिटेंस का, तो डायरेक्ट रेमिटेंस क्या है, इसको कैसे एक्टिवेट किया जाता है, इसमें आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये सब कुछ जानकारी आपको इसमें मिलेगी। और साथ में डायरेक्ट रेमिटेंस के लिए आपको वर्चुअल आईडी एक्टिवेशन कैसे करना है प्रैक्टिकली, टीयर वन अकाउंट और टीयर टू अकाउंट दोनों के अंदर एक साथ कैसे करना है वो भी आपको दिखाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, जिनके अकाउंट है वो आज से 2-3 साल पहले के हैं या जिनके अकाउंट किसी बैंक ऐप लिंक के द्वारा ओपन किए गए हैं, तो उनके अंदर वो ENPS के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, सिर्फ NPS के अंदर रजिस्टर्ड है। और ENPS में जो रजिस्टर्ड है वो ही सिर्फ डायरेक्ट रेमिटेंस या डी रेमिट का उपयोग कर सकते हैं। ये डी रेमिट क्या चीज़ है क्या नहीं है, ये चीज़ मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊँगा, उसके अंदर मैं आपको बता दूँगा पूरी डिटेल में, और इसके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है ये भी चीज़ आपको बता दी जाएगी। अब यहाँ पे आप देख लीजिए पहले कि डी रेमिटेंस को आप एक्टिवेट कैसे करेंगे। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको वर्चुअल आईडी क्रिएशन करना पड़ेगा। वर्चुअल आईडी कैसे आप क्रिएट कर पाएंगे, उसके लिए आपको कैसे वेबसाइट पर जाना है, प्रैक्टिकली पूरा नॉलेज आपको वीडियो में आगे मिल जाएगा। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, ये वीडियो ज़रूर देखें आप, क्योंकि ये नई चीज़ है NPS के अंदर। पहले ये चीज़ जो है वो म्यूचुअल फंड वगैरह में पहले ही आ चुकी है, म्यूचुअल फंड में तो, लेकिन यहाँ NPS के अंदर जो ऑटो कंट्रीब्यूट का सिस्टम है वो पहले नहीं था, तो अब आया है, सरकार ने लॉन्च किया है 1 अक्टूबर 2020 से। तो इसको एक्टिवेट करने का तरीका देखिए फ्रेंड्स, आज हम देख लेते हैं जो गवर्नमेंट ने 1 अक्टूबर 2020 से जो ई मैंडेट का सिस्टम चालू किया है वो कैसे आपको करना है, किसी डी रेमिट जिसको NPS के अंदर डी रेमिटेंस बोलते हैं, डायरेक्ट रेमिटेंस, और ऐसे अपन म्यूचुअल फंड वगैरह में ई मैंडेट बोलते हैं। तो ये कैसे आपको क्रिएट करना है आपके अकाउंट में ऑटो कंट्रीब्यूट होने के लिए, तो आप डायरेक्ट प्रैक्टिकल देखेंगे पूरा वीडियो। चलो देखते हैं वीडियो में। अब यहाँ पे हमें खोलनी पड़ेगी ENPS की वेबसाइट, ENPS NSDL आप इसके अंदर लिख देंगे तो आपकी वेबसाइट आ जाएगी इसके अंदर। जैसे या आपने देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका लिखा हुआ है ये, क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ वर्चुअल आईडी फॉर मेकिंग सेमलेस इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली थ्रू योर बैंक अकाउंट अंडर NPS। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, इसके अंदर आपको करना है डी रेमिट VID जनरेशन, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ आपका प्रान नंबर मांगेगा ये, यहाँ आपकी DOB डालनी है आपको, और वेरीफाई प्रान कर देना है। अब यहाँ पे आपके पास जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है जो NPS के अंदर, उसके ऊपर आपका मैसेज आएगा, एक टेक्स्ट मैसेज जिसके अंदर OTP आएगा, उसको आपको सबमिट कर देना है। अब देख रहे हैं यहाँ पे पूरा काम लाइव हो रहा है। हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसके अंदर आ गया वर्चुअल अकाउंट रजिस्ट्रेशन, इसके अंदर हमारा प्लान है वो डेट ऑफ बर्थ है। अब यहाँ कंसेंट जिसमें आप देख लीजिए कि वर्चुअल अकाउंट रजिस्ट्रेशन टाइप, इसके अंदर आपको क्या करना है वो आप देख सकते हैं। अगर आप टीयर वन अकाउंट में ऑटो जो कंट्रीब्यूट है वो ऑन करना चाहते हैं टीयर वन अकाउंट में तो वो कर सकते हैं, टीयर टू अकाउंट में करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, और अगर दोनों ही अकाउंट में आपको करना है तो बोथ पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी राय यही दूंगा कि आपको टीयर वन और टीयर टू दोनों अकाउंट में कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए एक साथ। अब मैं आपको बता देता हूँ दोनों ही अकाउंट में कैसे ऑटो कंट्रीब्यूट होता है, वो तो हम यहाँ पे बोथ पे क्लिक कर देंगे, और आई हियर बाई डिक्लेयर दैट, ये जो है आपको क्लिक कर देना है। इसमें आपको जनरेट वर्चुअल अकाउंट क्लिक करना है। काइंडली नोट बिलो एक्नॉलेजमेंट नंबर जो आ गया है आपके पास टीयर वन अकाउंट का एक्नॉलेजमेंट नंबर यह है, टीयर टू अकाउंट का एक्नॉलेजमेंट नंबर यह। वंस योर वर्चुअल अकाउंट इज कन्फर्म यू कैन यूज योर वर्चुअल अकाउंट अलॉन्ग विथ IFSC कोड।
लेडिंग पे थ्रो योर बैंक अकाउंट फॉर NEFT या RTGS। अब यहाँ हम क्लिक कर देते हैं ओके का। ये सब कुछ होने के बाद फ्रेंड्स आपके पास मैसेज और मेल आ जाएगा, जिसके अंदर आएगा कि आपका वर्चुअल ID क्रिएशन सक्सेसफुली हो चुका है और आपके CRM में यह एक्सेप्ट कर लिया गया है वर्चुअल ID क्रिएशन। तो इसकी मेल और मैसेज किस तरीके से आएगा, क्या मैसेज आएगा, ये मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ और वीडियो यहीं पूरा करते हैं। चलो देखिए आप मेल क्या आता है और क्या स्क्रीनशॉट आता है। धन्यवाद।